देशहित में हमने आपको ये खबर बताई थी, अमन आपको भी याद होगा कि दरवाजे बदल जाएंगे, और ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे थे ये बदले हुए दरवाजों की है, वहाँ भी जो हो रहा है आपको दिखाई देगा। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है, हर तरफ 72वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी कल लाल किले पर 5वीं बार तिरंगा फहराएंगे, उनकी तरह ही देश और दुनिया में कई जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में फहराया जाने वाला तिरंगा कहाँ बनता है, कौन बनाता है, और आप तक पहुँचने से पहले तिरंगे के 18 इम्तिहान क्या है? आजादी के इस महान पर्व पर हमारे साथ चलिए कर्नाटक के हुबली शहर, जिसकी दुनिया में खास पहचान ही तिरंगे को लेकर है। यहाँ कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो देश और दुनिया में अधिकृत तौर पर फहराए जाने वाले तिरंगे को तैयार करती है। हर साल ये यूनिट हजारों तिरंगे बनाती है, अकेले इसी साल अब तक 25,000 से ज्यादा तिरंगे बना चुकी है। इस यूनिट में 350 लोग मिलकर तिरंगा तैयार करते हैं, इसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। से धागा निकल को और हाथ से ही बुनाई काम कर को उसको ये करेगा सर, स्पेशल कपड़ा ही बना को और बीएस मार्किंग हिसाब से नाम हिसाब से वो हम लोग बनाते हैं। तिरंगे को तैयार करने की भी एक लंबी प्रक्रिया है। बागलकोट यूनिट में हाई क्वालिटी के कच्चे कॉटन से धागा बनाया जाता है, इसके बाद हुबली यूनिट में डाई की प्रक्रिया पूरी की जाती है, और सभी जरूरी क्वालिटी चेक पास करने के बाद ही तिरंगे को यूनिट से बाहर भेजा जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS यहां तैयार होने वाले तिरंगे की क्वालिटी चेक करता है। तिरंगा करीब 18 तरह की क्वालिटी जांच से गुजरता है, एक छोटा सा भी डिफेक्ट होने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। हुबली से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।